आप सभी का मैं क्लच एंड गियर के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे वीडियोस को आप सभी का निरंतर मिलता हुआ प्यार हमारे लिए बेहद उत्साहजनक है। हमारी सीरीज एवरी बाइक हैज अ स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम एक यामा FZ को कैफे रेसर में कन्वर्ट करेंगे। इस गाड़ी के काम की शुरुआत हमने मैकेनिकल वर्क्स के साथ की, जैसे कि इंजन ओवरहॉलिंग और क्लच प्लेट्स भी रिप्लेस किए गए। इस गाड़ी में जो मेजर चेंजेस किए गए वो थे कस्टम टैंक, सीट, वर्टिकल डबल डूम हेडलाइट, साइड पैनल, कस्टम मीटर असेंबली और हेडलाइट कवर। गाड़ी का टैंक सिलेक्शन होने के बाद स्ट्रक्चरल फ्रेम और सपोर्ट का काम शुरू किया गया और टैंक इंस्टॉलेशन के बाद साइड पैनल्स के डिजाइन पर आइडिएशन शुरू हुआ। गाड़ी का साइड प्रोफाइल मिनिमलिस्टिक रखने के लिए ग्रूव नेटेड पैटर्न में फैब्रिकेट किया गया। ये दिखने में शायद आसान लगे, लेकिन आइडिएशन से एग्जीक्यूशन तक इसे बनाने में काफी मेहनत लगी। गाड़ी का फाइनल लुक कैसा होगा, इसमें हेडलाइट का सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सुजीत जी कन्वेंशनल लुक नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने ये डबल डूम हेडलाइट वर्टिकल पोजीशन में लगा के देखा, जो सुजीत जी को पसंद भी आया। मीटर के लिए हमने डिजिटल राउंड शेप का सिलेक्शन किया और उसे ऑफ सेंटर इंस्टॉल किया। जैसे कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक वाइजर डिजाइन किया जा रहा है जो पहले स्कोप ऑफ वर्क में नहीं था, लेकिन क्योंकि हेडलाइट लेफ्ट अलाइन थी उसे बैलेंस आउट करने के लिए वाइजर बनाया गया ताकि फ्रंट प्रोफाइल कंप्लीट दिखे। फाइनल फिनिशिंग और पेंटिंग से पहले ही ड्रॉ स्टेज में मल्टीपल ट्रायल्स लिए जाते हैं, ताकि अगर कोई भी इश्यूज आए तो उसे फिनिशिंग से पहले सुधारा जा सके। क्योंकि ये सारे टैंक और कस्टम पैनल्स हैंडमेड होते हैं, इनमें पेंट से पहले बेस वर्क सही तरीके से होना बेहद जरूरी होता है, ताकि पेंट का फिनिश अच्छे से आ सके। इंटरनली टैंक को रस्टिंग से बचाने के लिए एंटी रस्ट कोटिंग किया जाता है। यामाहा लोगो के लिए हमने ड्यूअल शेड कलर ऑप्शन रखा, ताकि सुजीत जी के पसंद अनुसार ऑरेंज हाईलाइट ऐड करते आए, जो कि गाड़ी का ओरिजिनल कलर भी था।
ऑरेंज एलिमेंट को बैलेंस आउट करने के लिए रियर शॉकर्स की स्प्रिंग को भी नियॉन ऑरेंज से हाईलाइट किया गया। अगर आप भी अपनी बाइक या स्कूटर मॉडिफाई या रिस्टोर कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर अपनी डिटेल सबमिट कीजिए। हमारी टीम द्वारा आपसे जल्द से जल्द संपर्क किया जाएगा। हमारे वर्कशॉप पुणे में बिबेवाड़ी और पिंपले सौदागर में हैं। अगर आप भी एक बाइक एंथुजियास्ट है और इस क्षेत्र में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो आप अपने शहर में क्लच एंड गियर फ्रेंचाइजी स्टोर चालू कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी प्रपोजल संबंधित किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर कृपया अपनी जानकारी दीजिए। अगर आपको मैकेनिक या टेक्नीशियन, पेंटिंग या स्पेयर्स मैनेजमेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप हमारी टीम को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में डिटेल्स देकर ज्वाइन कर सकते हैं। पहिली बाईक होती माझ्या लाईफ मधली आणि त्यामध्ये खूप आठवणी पण जोडलेल्या होत्या, त्यामुळे शेवटी विचारा की हिलाच आपण मॉडिफाय करूया असं नवीन बाईक घ्यायचं एक्सपेरियन्स खर्च करण्याच्या मधलं नवीन बाईकच्या ऐवजी हिलाच मॉडिफाय करूया। ऑप्शनच्या वेळेला मी मुंबईमध्ये आणि पुण्यामध्ये दोन्ही कडे सर्च केले। अल्टिमेटली काही सर्च नंतर मला क्लच एंड गियरचा ऑप्शन जरा योग्य वाटला, कारण त्यांचे काही मॉडिफिकेशन पाहिले होते आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी काही बाईक मॉडिफाय केल्या। पहिल्यांदा मग कडे झालं की यांच्याकडे जाऊन बाईक करावी, पण जर त्यांच्याकडे बाईक दिली डिस्कशन झालं आणि ऍक्च्युअली काम सुरू झालं। नंतर बऱ्यापैकी जे काम चालू होते डिस्कशन मध्ये मी आणि आमचे दुसरे पार्टनर मेहता होते आणि वेंकटेश, हे दोन जे होते मेन इंजिनियर्स, त्यांनी असाईन केली आणि पूर्ण काम होईपर्यंत ते कंडिशन आहे टच मध्ये पण होते। एक्सपिरियन्स खूप चांगला होता। प्रत्येक वेळी काही पण डिसिजन घेताना मी किंवा ते आम्ही दोघे कन्सल्ट करत होतो। प्रत्येक डिझाईनला आम्ही दोघे मीटिंग होत होते आमच्या आणि ऍक्च्युअली या फील्ड वरती आम्ही ते पूर्ण वर्कआउट करतो, प्राइस काढण्यापासून ते प्रॉपर ते फॅब्रिकेट करून ते फिटअप करण्यापर्यंत। त्याच्याखाली एक आठवण म्हणून पण तुम्ही लिहिले, डिल्लो म्हणजे ऍक्च्युअली पहिली बाईक असं दिला नाव पहिला डिल्लो रन ठेवलं, ट्राय केलं जेवढं होतं इम्प्लिमेंट करायला आणि मोस्टली झालंय त्यामध्ये। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।